नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। बिलारी में गोवंश पशु के अवशेष मिलने पर बजरंग दल ने किया हंगामा। बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम सिहारी लद्दा और कनोबी के जंगलों में गेहूं के खेत में गोवंश पशु के अवशेष मिलने की जानकारी होने पर बिलारी प्रखंड के उपाध्यक्ष खिलेंद्र मैथिल अपनी टीम के साथ गणना स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर देखा कि आसपास कई और खेतों में गोवंश के पशुओं के अवशेष बिखरे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार फोर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल की जांच पड़ताल की। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। कोतवाली प्रभारी के द्वारा दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज व सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर कार्यकर्ता शांत हुए। खिलेंद्र मैथिल ने कहा कि क्षेत्र में काफी समय से गोकटाई की घटनाएं घटित होती आ रही हैं। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए, जिससे इन लोगों में दहशत पैदा हो। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मजबूरन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस मौके पर बिलारी प्रखंड के अध्यक्ष ठाकुर हरगोबन सिंह, मंत्री जयदेव मौर्य, प्रेमपाल सिंह, गौरक्षा प्रमुख, विद्यार्थी प्रमुख रोहित कश्यप, प्रखंड संयोजक सतपाल शर्मा, सोनू कश्यप, रजत कश्यप, सोनू यादव, अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय गौरक्षा दल के भी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर गीता शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार कश्यप, मोहित कुमार शर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।